अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक PHP और HTML वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका पेज साइज रिड्यूस करेंगे, तो चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। रिफ्रेश, यहाँ से सॉर्ट बाय साइज और यहाँ से इमेजेस। अब इन इमेजेस को ओपन करके करेंगे कंप्रेस। एक बैकअप का फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद ये सारी इमेजेस इसमें मूव कर देंगे। अब इनको डाउनलोड कर लेंगे। अब वन बाय वन इन्हें अपलोड करेंगे, तो यहाँ से स्लाइडर यहाँ से स्लाइडर की सारी इमेजेस सेलेक्ट करेंगे और इन्हें कर देंगे पेस्ट। बैकअप चूंकि आपके पास है तो ये आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर आप इन्हें रीनेम भी कर सकते हैं। तो स्लाइड्स कंप्रेस करने के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा है, 2 MB कम हो गया। अब हम दूसरी जो इमेजेस हैं उनका भी कुछ करते हैं। तो अब हम ओपन करेंगे यहाँ से इमेजेस। ये जाएगी एडवर्टाइजमेंट फोल्डर में। उसके बाद एक्स्ट्रा इमेजेस में
इन सब इमेजेस को पहले डाउनलोड करते हैं। अब ओपन करेंगे इमेज रिसाइज। सबसे पहले लोगों को, ये जो दूसरे वाला है रेजोल्यूशन, ये आपने कॉपी करना है। कभी कभी ये हो जाता है कि एक इमेज जो है वो दो पेजेस पे यूज़ हुई होती है, एक पे वो बड़ा साइज़ होता है, एक पे छोटा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है कि आप ये ना हो कि एक जगह से कंप्रेस कर दें, वहाँ पे वो छोटी हो और दूसरी साइड पे वो बड़ी हो, जिसकी वजह से वो ब्लर हो जाए। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके लिए आप स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बता देगा कि कौन सी इमेज कौन कौन से पेजेस पे यूज़ हुई है। तो अभी से करेंगे डाउनलोड। पानी को बैकअप में आप यहां से डाउनलोड। उसके बाद से करेंगे रिफ्रेश। अब नेक्स्ट इमेज, अब ये 1350 डाउनलोड रिफ्रेश। आगे 80
अच्छा जी, हो गए कंप्लीट, अब इन्हें करते हैं अपलोड। हाँ सबसे पहले लोगो, उसके बाद चूज टू, उसके अब करेंगे रीटेस्ट। जिंदा
उसके बाद अब इमेजेस को कंप्रेस करेंगे यहाँ से सी ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे स्पेस आई। अच्छा, अब रीटेस्ट करेंगे। ये केबीज वाली कुछ इमेजेस रह गई हैं, इन्हें कर लेते हैं आप।
जी 83% हो गया है, और अब जो मेन इशू रह गया वो है मिनिमाइज रीट्रैक्स। तो इसका जो सबसे आसान हल है वो ये कि आप एम्प्टी फाइल्स क्रिएट कर दें, या फिर आपको इनका सोर्स फाइंड करना पड़ेगा, सारी फाइल्स को एडिट करना पड़ेगा और जहाँ से ये लिंक हो रही है वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और ये जो है काफ़ी टाइम सेविंग है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा इमेजेस के लिए सर्च, यहाँ से जेपीजी, अब करेंगे रीटेस्ट। तो रीटेस्ट का इश्यू भी हमारा फिक्स हो गया, और इसी के साथ ही आज की ट्यूटोरियल का दी एंड। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें को सीखने को मिली होंगी और आप इन्हें इम्प्लीमेंट भी कर पाए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त, वर्डप्रेस, एसईओ, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें एसईओ मास्टर्स अकेडमी और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।